नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 542 सीटों के रुझान में एनडीए 328 सीट पर आगे। महाराष्ट्र में मोदी तूफान, 48 में 44 पर आगे। महागठबंधन की सांसें फूली। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव परिणाम के रुझान तेजी से आने लगे हैं। सुबह 11:10 तक आए रुझान के मुताबिक 542 सीट के रुझान सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 328 सीट पर सीधी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही। इसके साथ ही देश के सक्सेस 40,000 के पार चल रहा है। वहीं यूपीए को 101 सीट पर आगे दिखाया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 113 सीटें आते दिखाई दे रही। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो बीजेपी को 58 सीट पर बढ़त है, तो गठबंधन को 20 सीट पर आगे दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट पर बढ़त है। वहीं बिहार में बीजेपी को 48 सीट पर बढ़त नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीट पर आगे है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 25 सीट पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 16 और कांग्रेस 1 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति को 44 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि गठबंधन में खाते में 4 सीटें आ रही है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट पर बीजेपी आगे है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी आगे है। दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव आगे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रही है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 2501 वोटों से आगे चल रही है। बिहार के मधेपुरा से शरद पवार पीछे चल रहे हैं। चांदनी चौक से बीजेपी के हर्षवर्धन आगे चल रहे हैं। उत्तर मुंबई से प्रिया दत्त पीछे चल रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।